ब्लॉग वेलकम बैक टू सुमन की रसोई। फ्रेंड, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बाजरे की आटे की टिक्की। फ्रेंड, आप मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। फ्रेंड, चलते हैं बनाने की तरफ, गैस की तरफ चल रहे हैं बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड, हमने इस कप से 3 कप बाजरे का आटा अच्छे से छान के ले लिया है और एक कप मैंने तिल ले लिया है, सफेद तिल धुली हुई मैंने अच्छे से साफ किया हुआ तिल ले रखा है। और फ्रेंड, इसके आटे के एक चौथाई भाग हमने गुड़ ले रखा है। देखिए फ्रेंड, ये गुड़ हमने ले रखा है, बहुत ज्यादा गुड़ नहीं डालना है, ज्यादा डालेंगे तो फिर बनेगा नहीं ठीक से, इसलिए फ्रेंड बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही फायदेमंद है। इससे बच्चों को आप जरूर बना के खिलाइए, ठंडी का टाइम चल रहा है और बाजरी के आटे का आप टिक्की बना के जरूर खिलाइए। तिल भी है, बहुत ही फायदेमंद है। इसमें हम 2 कप पानी डाल रहे हैं। अब इसे मैं थोड़ी सी हल्का सा गरम करके गुनगुना करूंगी। इतना गरम होगा कि गुड़ मेरा सारा मेल्ट हो जाए अच्छे से। देखिए फ्रेंड, सारे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। अच्छा खासा गरम होना चाहिए, ज्यादा गर्म होना चाहिए, हल्का गुनगुना नहीं होना चाहिए, जिससे पूरा सारा गुड़ मेल्ट हो जाए। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, फिर इसको छान लूंगी अलग बर्तन में। इसमें जो भी गंदगी हो, जो भी किटकिटे हो, सब निकल जाएगा। छन्नी में मैं छान देती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं अच्छे से अलग बर्तन में छान लूंगी। में से कचड़ा निकला, गंदगी, इसलिए अच्छे से मेल्ट हो गया, तो मैं छान ली हूँ। ज्यादा गुड़ नहीं होना चाहिए फ्रेंड। अब मैं इसको अच्छे से उकर के आटे में, चूंकि ज्यादा गर्म है, खोल रहा था, इसलिए धीरे धीरे मैं इसको अच्छी तरह से गूंथूंगी। थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, नहीं तो ज्यादा ढीला हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, हमने अच्छी तरह से आटे को गूंथ लिया है। अब मैं इसमें तिल डालूंगी। तिल डाल के और हल्का हल्का गुनगुना मैंने पानी ले रखा है सादा। अब इसको डाल के मैं अच्छे से गूंथूंगी। अच्छी तरह से गूंथेंगे तभी बन पाएगा, नहीं तो बनता नहीं है जल्दी। बाजरे का आटा बहुत ही मुश्किल से ही बनता है। अच्छे से इसे माड़ेंगे, अच्छी तरह से माड़ेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड, अच्छी तरह से हमने गूंथ लिया आटे को। देखिए इस तरह से आटे को गूंथ के अच्छी तरह से इसको इस तरह से मैश करिए, खूब अच्छी तरह से। ये बहुत ही फायदेमंद है, बच्चों को आप बना के जरूर खिलाइए बच्चों के लिए। और इसे बना के आप एयर प्रूफ कंटेनर में रख दीजिए, 1 हफ्ते तक आराम से बच्चे खाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से आप बनाइए। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने बना लिया है, इतने बड़ा है। इस तरह से करके आप हथेली की सहायता से
आराम से इस तरह से बनाइए, देखिए बिल्कुल टूट भी नहीं रहा है, आराम से बन रहा है। अब फ्रेंड हमने गैस जला के कढ़ाई रख दिया है, तेल गरम हो रहा है तलने के लिए। तब तक मैं बना रही हूँ, उधर तेल भी गरम हो रहा है। मैंने हाई मीडियम पे कर दिया है, मीडियम पे। देखिए फ्रेंड तेल गरम हो चुका है कि नहीं, इसके जानने के लिए मैं छोटा सा बॉल बना के डालूंगी। देखिए अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं जो बना रखी हुई इस तरह से मैं सारे टिक्के डाल दूंगी और ब्राउन होने तक इसको तलूंगी। देखिए फिर अच्छी से टिक्की फूलने लगी है और बहुत ही इसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। देखिए कितने मिनटों में हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब मीडियम फ्लेम पर मैं पका रही हूँ। ये दो हो गया, मैं इसको दो निकाल लेती हूँ। देखिए बहुत ही टेस्टी टिक्की बनके तैयार हो गई। आप जरूर बनाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। देखिए फ्रेंड इसी तरह से मैं और भी कर लेती हूँ। देखिए हल्का ब्राउन हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट टिक्की बनके तैयार हो गई। देखिए फ्रेंड बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट टिक्की बनके तैयार हो गई है। आप इसको जरूर ट्राई करें फ्रेंड, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले, जरूर लाइक करें फ्रेंड। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।